हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का सुप्रियाज किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। इसमें मेरे पास दो कलर है, एक ये रेड है और एक दूसरा है रेड और वाइट मिक्स करके। और देखिए, इतना छोटा प्लांट है लेकिन इसमें कितने भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज पर्यावरण दिन है, तो आप सबको पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में हम हमारे जो हैंगिंग बास्केट्स है उसे रिचार्ज करेंगे और साथ साथ में केयरिंग टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से आपको केयर करनी है हैंगिंग बास्केट्स के प्लांट्स को। ये यहाँ पर हमने ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, कुछ कीले लगा रखे हैं, वहाँ पर हम इन कड़ियों को लटकाएंगे और हमारे हैंगिंग बास्केट्स को भी वहीं पर लगाएंगे, तो बहुत खूबसूरत दिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम इन कड़ियों को इस तरह से लगा देंगे कीलों पर, और बाद में उसी में हम हमारी बास्केट्स को लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक हैंगिंग बास्केट्स रेडी है। तो देखिए, अभी इसमें से कुछ हम इसे अच्छे साइज़ में काट लेंगे तो ये बास्केट बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स है बास्केट्स में, तो यहाँ पर देखिए, इसमें की मिट्टी बहुत कम हो चुकी है, तो इसमें हम थोड़ी मिट्टी डालेंगे, थोड़ी खाद डालेंगे और फिर से ये प्लांट हरा भरा और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ फर्न के प्लांट लगाए हैं। हम जब भी हैंगिंग बास्केट्स की मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हम लाइट वेट वाला मटेरियल ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि हम कोकोपीट ज़्यादा ऐड करते हैं। और जो नीचे के जो होल्स होते हैं ना, तो ये देखिए, ये वंडरिंग जू का बास्केट है। इसमें देखिए, ये बहुत लंबी हो चुकी है, तो उसे भी हम साइज़ में काटेंगे अच्छे से। और जो हैंगिंग बास्केट्स में हम लाइट वेट जो मटेरियल डालते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज होकर नीचे चला जाता है और मिट्टी जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो हमारे प्लांट्स को फिर से हमें मिट्टी चढ़ानी होती है ऊपर से और खाद भी ऐड करनी होती है बीच बीच में। तो इन बास्केट्स को काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमने देखा नहीं है, तो चलो हमने सोचा कि आज हम इसे ठीक कर देते हैं कुछ। देखिए, ये जो प्लांट है ये नीचे में ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसे हम लेवल में अगर काट लेते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी निखर कर आ जाती है। देखिए, जब हम इसे कटिंग करते हैं ना, तो उसके बाद ये प्लांट देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना, खूबसूरत दिखता है इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बॉल जैसा हमारा ये हैंगिंग बास्केट लग रहा है। बस हमने क्या किया, थोड़ा शेप में ही इसे काटा है, तो ये और खूबसूरत दिख रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये वंडरिंग जू का प्लांट है, इसकी भी हाइट ये बहुत नीचे नीचे जा चुका है, तो इसे हम सेफ में लाने के लिए जो जो इसके स्टेम्स है ज़्यादा बढ़ चुकी है उसे हम काट लेते हैं और फिर से उसी में लगा देते हैं, तो वो भी अच्छे से लाइन में आ जाएगी और बहुत खूबसूरत दिखेगी। इसी तरह से हमें हैंगिंग बास्केट्स के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बीच बीच में हमें मैनेज करना होता है। और ये देखिए, इसकी मिट्टी बहुत नीचे जा चुकी है, जबकि मैंने ये बास्केट भरी थी तब ऊपर ऊपर तक मेरी मिट्टी डाली थी, लेकिन अभी देखिए, ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसा ही होता है, मिट्टी नीचे भी जाती है। हमने बोला ना कि जो हम मटेरियल डालते हैं वो डिकम्पोज भी होता है, और हम बास्केट्स बनाते हैं तो सबसे नीचे में हम सूखे पत्ते डालते हैं, तो सूखे पत्ते डालने से क्या होता है ना कि तब तो वो ऊपर ऊपर रहते हैं, बाद में जब वो सूखे पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर मिट्टी भी नीचे नीचे चली जाती है। तो इस तरह से हमें इन बास्केट्स को फिर से मिट्टी से भरना होता है, और साथ साथ में हम थोड़ी गोबर की खाद भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी जो पहले हमने खाद डाली थी वो तो अभी यूज़ हो चुकी है, प्लांट ने ले ली है सब, तो अभी इस बार भी हमें थोड़ी सी खाद सभी बास्केट्स में थोड़ी थोड़ी ऐड कर लेते हैं। अगर आपने भी इस तरह से हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगा रखे हैं तो आप भी इसी तरह से मिट्टी कुछ दिनों के बाद चढ़ाते रहेंगे, तो आपके प्लांट भी हरे भरे रहेंगे। और इसके साइड साइड में हम कुछ ऐसे प्लांट लगा देंगे जो कि नीचे झुकते हो,
जैसे कि टेंगल हार्ट वगैरह होते हैं ना, उसी तरह के कुछ प्लांट्स अगर हम साइड साइड में लगा देते हैं तो ये जो बीच में प्लांट है वो ऊपर चढ़ेगा और साइड में ये सारी लटकते हुए प्लांट्स दिखाई देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा फिर वो ये हमारा प्लांटर। यहाँ पर जो आप सारे प्लांटर्स देख रहे हैं ना, ऊपर जो प्लांट पर लटके हुए, ये मेरा फिग का प्लांट है, अंजीर का, उसी प्लांट पर मैंने ये सारे प्लांटर्स लगा रखे हैं। और ये हमने हमारे घर पर ही जो भी कुछ बॉटल्स आती है, ऑयल कैंस आती है, उसमें उसी से बनाए हैं। और देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। आप भी इस तरह से अपने घर में जो ऑयल कैन होती है, खाली ऑयल कैन, उसी से इस तरह के फ्री के प्लांटर्स बना सकते हो। और हमने इस पर आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था कि ऑयल कैन से डेकोरेटिव प्लांटर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी कि बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं प्लांटर्स घर के, फ्री के प्लांटर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। पहले तो ये प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, तो उसी में हमारे काफ़ी सारे पैसे निकल जाते हैं और ऊपर से उसके लिए हमें गमले भी ख़रीदने होते हैं। तो हम गमलों के पैसे तो बचा ही सकते हैं। हमारे घर में काफ़ी सारे ऑयल कैंस, खाली ऑयल कैंस, बॉटल्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमें ऐसे ही कचरे में डाल देते हैं, तो उससे अच्छा है कि उसी को हम डेकोरेट करके अपने प्लांट्स उसी में लगाते हैं, तो प्लांट की खूबसूरती भी बढ़ती है और हमें फ्री के प्लांटर्स भी मिल जाते हैं। हैंगिंग बास्केट की मिट्टी जब आप बनाते हो तो उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और हमारी जो हैंगिंग बास्केट्स होती है उसमें मिट्टी भी कम मात्रा में होती है, तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमें उसमें कोकोपीट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। हैंगिंग बास्केट की मिट्टी भी हमें लाइट वेट बनानी पड़ती है, तो कोकोपीट से हमें ये मिट्टी भी हमारी हल्की हो जाती है। आपके पास अगर कोकोपीट नहीं है तो आप नारियल के जो छिलके आते हैं उसे भी आप उसमें होल पर नीचे में डाल सकते हो। कोकोपीट से मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छी रहती है। वाटर जब भी हम मिट्टी में डालते हैं पानी, तो वो ड्रेन आउट हो जाता है, मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये हमारी बास्केट रेडी हो चुकी है। हमने इसमें सारी मिट्टी, खाद, जो भी हमें ऐड करना था हमने ऐड कर लिया है और यहाँ पर हम ये सारी बास्केट्स को लगा देंगे। आप भी इसी तरह से हैंगिंग बास्केट्स ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हो जिनको कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, एक दो दिन के बाद भी अगर पानी दे, ऐसे प्लांट भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। और ये जो हमारे प्लांट्स हैं जो हमने बास्केट्स में लगाए हैं, इन प्लांट्स को भी हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दिन के बाद अगर हम पानी देते हैं तब भी ये प्लांट्स हरे भरे रहते हैं। लेकिन समर सीज़न में हमें दिन में एक बार पानी ज़रूर देना होता है, क्योंकि बहुत धूप की वजह से मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। और बाकी रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में तो हमें इतना पानी नहीं देना होता है प्लांट्स में। और ये हमारे सारे हैंगिंग बास्केट्स लगाकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे प्लांट्स कितने अच्छे दिख रहे हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू। और इधर भी देखिए, ये सारे बास्केट्स और ये सारे प्लांटर्स हमने लगा रखे हैं। अगले वीडियो में हम आपको हमारे टेरेस पर जो रेनी सीज़न की तैयारियां चल रही है, हमारी जो कैरिया है, टेम्पररी कैरिया, परमानेंट कैरिया, उनको रिचार्ज करना चल रहा है, वही सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं।